यहाँ पे पुलिस वाले मिलने वाले हैं मुझे। ओ भाई हेलो, आपको पता है कि आप हमेशा सेफ रहोगे। और अरे भैया, सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं एक शॉर्ट राइड पे जा रहा हूँ। अभी तो लगभग 6:13 हो चुकी हैं, तो मैं इवनिंग टाइम शॉर्ट राइड पे जा रहा हूँ अभी। और मैं और राहुल जाएंगे, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर भी टेस्ट कर लेंगे कि कितनी जाती है, क्योंकि थर्ड गियर तक ही टेस्ट करूँगा मैं इसको, ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकता हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मेरी शॉर्ट राइड पे और मिलते हैं अपनी बाइक पे। तो चलिए चलते हैं एक शॉर्ट राइड पे। ए यार, एक तो मेरा ना शीशा मूड ख़राब कर देते हैं, पूरा ढीले हो जाते हैं पूरे। और इधर ही रहते हैं हमारे भरतपुर राइडर भैया, हम गली नंबर 6 में रहते हैं। इसमें भी नहीं। और ये वाली फाइनली उनकी गली है, 6 नंबर गली दिख रही है, जो इसमें ही रहते हैं वो भरतपुर राइडर भैया, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छी मोटो व्लॉगिंग करते हैं। ये गली आपने देखी कभी? नहीं देखी, तो आज मैंने आप गली दिखा दी ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं किन किन रास्तों से जा रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। मेरे ब्लॉग के साथ रोजाना बने रही है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। यामाहा कंपनी की जा रही है, एकदम ओल्डेस्ट बाइक। इधर निकलते हैं। और चल लिए, देखो कितने रटे काट रही है। स्पोर्ट बाइक तो स्पोर्ट बाइक है भाई। ओहो, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं हमको मोटो ब्लॉगर के लिए। ऐसे वाले रोड मिल जाते हैं ना तो स्वर्ग की तरह लगते हैं उसको, वो कि स्वर्ग सा दिखता है उसको ये वाला, मतलब ऐसे जो रोड होते हैं स्वर्ग से दिखते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले मिलने वाले हैं मुझे। हम चलेंगे गाड़ी की साइड, और अभी स्पीड चल रही है 40 पे हमारी। होली को स्पोर्ट गई इंडिया से, तो चलो भाई जाने दो। देखते हैं यार क्या रहता है। अरे हमने निकाल लिया फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर भी टेस्ट कर लेंगे हम इसका। तो चलिए, ओ भाई हेलो, आराम से अभी नहीं करने वाले हम, पहले सीधा जाएंगे उसके बाद निकलेंगे इधर। और अभी जो ये वाला रास्ता शास्त्री पार्क के लिए है, इसमें मैं ब्लॉग बना के गया था। ये जो बांजी टावर रॉयल इनफील्ड दिख रही है आपको, आज तो ये बंद है क्योंकि ट्यूजडे है ना, इसलिए इसमें मैं ब्लॉग बनाने गया था। जब स्क्रैम 411 लॉन्च हुई थी उसके टाइम पर गया था मैं, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। भरतपुर राइडर भैया के साथ गया था। ओ भाई, दर्राटे काट रही, निकाल ली होली को स्पोर्ट। कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा है इसका, ब्रेकिंग भी, क्योंकि ABS आने लग गया है ना सभी बाइकों में, तो लगभग अच्छा होगा सबका कंट्रोल जिनमें ABS होता है, क्योंकि इससे ना स्किड नहीं होती है, बाइक फुल्ली सेफ रहते हैं। सो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए कि हमेशा ABS की बाइक लो, बिना ABS की बाइक मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है ना उनमें। और आगे वाली डिस्क ब्रेक है ना जो फिसल जाती है कभी कभी, पता नहीं चलता है, मतलब अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो फिसल जाती है वो कभी कभी। ये है अपना शास्त्री पार्क, और अभी हम निकलेंगे इधर की ओर, देखते हैं पहले कोई आ तो नहीं रहा। अरे भाई, तो चलिए निकलते हैं इधर की ओर, और हम निकलेंगे। अरे भाई हेलो, कोई नहीं आ रहा। और देखिए, देखते हैं इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर टेस्ट, पहले इसको फुल्ली डाउन करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। ये डाल दिया इसमें फर्स्ट गियर मैंने, और चलते हैं देखते हैं कितनी जाएगी फर्स्ट गियर में। ये 41 जाती है, और ये इसका सेकंड गियर, और ये इसका थर्ड गियर, जो कि चली गई 80 की तरफ। तो इतना ही बहुत है आपके लिए, इसकी रेस बता दी मैंने, इतनी जा रही है थर्ड गियर तक, तो मैं ज़्यादा इसको भगाऊँगा नहीं। और जितना टेस्ट किया मैंने, बहुत शॉर्ट जगह पे टेस्ट किया इसको, और मेरे से भान बहुत दूर चल रहे हैं। फुल्ली सेफ राइड करता हूँ कि जान दे के चलाओ, हमेशा के लिए अच्छे रहोगे और हमेशा मज़े में रहोगे।
और एक बारी तेज चलाने से कुछ नहीं होगा भाई, एक बारी मजे ले पाओगे अगर आपने तेज चला ली तो। धीरे धीरे चलाओगे तो सब कुछ मजे ले पाओगे आप, और रोजाना राइड के मजे ले पाओगे हमारी तरह। ये वाला है ना जो पुल देख रहे हो आप, इसके नीचे आपको दिखा दूंगा ना, फुल्ली रेड लाइट एरिया है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा उसको आपके लिए। गजब बेइज्जती है। ऑन द हाईवे मैंने कहा था ना, स्वर्ग जैसा लगता है अगर ऐसा रोड मिल जाए ना। अगर किसी राइडर को या मोटो ब्लॉगर को ऐसी जगह दिख जाती है ना, तो फुल्ली उसका मन एकदम खुश हो जाता है और उसका भगाने का मन करता है। लेकिन हम थोड़े अपने जज्बातों को कंट्रोल करके रखेंगे और नहीं भगाएंगे इसको इतना तेज कि हमको खतरा हो सके। शाबाश बेटा। इतना ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि मुझे खतरा हो कुछ। जो टेस्ट किया था मैंने थर्ड गियर तक लगभग 80 गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सामने की तरफ ध्यान देता हूँ हर बारी। आपको भी नहीं देना है, मैं भी नहीं देता हूँ, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सामने देख के चलाओगे बाइक को तो आपको पता है कि आप हमेशा सेफ रहोगे। और अरे भैया, अरे दाल भी रखी है इसने और चला रहे हैं ऐसे, यार ध्यान नहीं देते हैं ना। अब पता नहीं इसके मम्मी पापा इसका वेट कर रहे होंगे और ये पड़ा है यहाँ पे दारू पी के। पीछे देख लेते हैं हम और निकलते हैं इससे, देखते हैं। अरे भैया आगे से बड़ा भैया आ रहा है इसका, सबका बड़ा भैया आ रहा है, इसके सामने सब डरते हैं। अरे भाई चल रही है इवनिंग राइड चल रही है इनकी, मोटापा कम करने के लिए। अच्छा है यार, सबको करनी चाहिए। मैं भी साइकिल चलाता था बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साइकिल चलाई है मैंने। अरे भैया धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं। अभी कितने बज गए, 6:30 बज चुके हैं और हमें दूध भी लेने जाना है। क्या हो गया इनको? अरे यार उधर की तरफ जा नहीं रहा हूँ, वरना मैं इनकी हेल्प कर देता। तो चलो इन बच्चों के रिएक्शन देखते हैं कि क्या रहता है। अंकल हेलो, देख रहे हो ना? देखो, देख रहे हैं ना, फुल्ली रुक गए, देखो है ना। अभी दूध लेने जा रहे हैं, टाइम हो चुका है। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय।